अस्सलामुअलैकुम, किचन विद फरीहा बलोच के साथ मैं हूँ यूट्यूब पर फरीहा बलोच। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को, जो कि यूट्यूब पर किचन विद फरीहा बलोच के नाम से है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे जो वहाँ पर मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली देख रही है, मुझसे कनेक्टेड है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे कहीं और से भी देख रहे होते हैं, सर्च भी करते हैं, उन सब का बेहद शुक्रिया मुझे देखने के लिए, पसंद करने के लिए और कनेक्ट रहने के लिए। और दुआ गूँ आप सब के लिए कि अल्लाह ताला सबको रखे अपनी हिफ्ज़ो अमान में, हर मुझी बीमारी से बचाए और हर नागहानी आफत से भी, और सबके रिस्के हलाल में बरकत दे। तो आमीन सुमा आमीन। आज बना रहे हैं अपने किचन में इफ्तारी के लिए, मैं एक बहुत मज़ेदार स्पेशल सी रेसिपी रेडी कर रही हूँ। आती है अमूमन लोगों को ये बनानी, लेकिन होता ये है कि आपके थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है, तो थोड़ी सी उसमें और चेंज हो जाती है और थोड़ा सा मज़ा आता है बनाने में और खाने में। ये हम बना रहे हैं आज यहाँ पर बॉम्बेस्टिक चीज़ी चिली बाइट्स, इसका नाम रख रही हूँ मैं, और ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ये हम बना रहे हैं जो इसमें चिकन है, दो तीन आपको ब्रीफिंग कर दूँ मैं पहले ही। हम जो इसमें चिकन अंदर चिलीज़ में स्टफ़ करेंगे उसको हम बहुत ही माइल्ड स्पाइसेस से बनाएंगे। मेरी चिलीज़ इतनी स्पाइसी नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन ये माइल्ड स्पाइसेस इतने आपको मज़े के लगेंगे जिस क्वांटिटी में हम इसे डालेंगे, तो जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत अंदर आपको इसको जो है ना खा के मज़ा आएगा। तो चलते हैं किचन में, इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करते हैं और रेसिपी भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। तो इनके लिए सबसे पहले हमारे पास जो तीन मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं वो तो मैं आपको पहले शो करा देती हूँ। ये मैंने ली हुई हैं चिलीज़, ये बहुत तेज़ वाली नहीं होती हैं, ये जर्मन भी नहीं है, ये मिल जाती हैं यहाँ पाकिस्तान में तो आराम से, और अगर आप तेज़ वाली जा रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, इनको मैंने इस तरह से देखें काट के साफ़ भी कर लिया है, बीज निकाल लिए मैंने ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। ये यहाँ पर ली हुई आप अपनी मर्ज़ी से जितनी बनाना चाहें, मैंने 8 ली हुई हैं। फिर यहाँ ली हुई है हमने चिकन, इसको हमने छोटा छोटा सा चंक्स कर लिया, तो इसकी भी हम फिर करेंगे अभी जो है तैयार जो मैरिनेशन होगी। और यहाँ पे ये ली हुई है मैंने चेडर चीज़, इसको मैंने श्रेड कर लिया इस तरीके से। ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अच्छा, मसालों में जाएगा काली मिर्च है, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स हैं, कुटी लाल मिर्चें जो कहलाती हैं, हल्दी है थोड़ी सी, यहाँ पर ही हमारे पास धनिया पाउडर ये वाला है, और ये है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, और नमक डालते हुए क्वान्टिटी बताएँगे आपको। थोड़े से यहाँ ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं, मैदा लिया हुआ है जो ऑल पर्पज़ फ्लावर होता है, और एक अंडा लिया हुआ है, इसको अभी बीट कर लेंगे। तो चलते हैं तैयारी शुरू करते हैं इसकी। तो यहाँ पर हमने ले लिए अपने चंक्स चिकन के। अच्छा, एक एक चिली में हम दो से तीन रखेंगे, देख लेंगे कि कितने आ रहे हैं चिली के हिसाब से, ठीक है। सबको चिकन को मैं कर रही हूँ उसमें कन्वर्ट, ताकि अच्छा इस पर मसाला जो है चिपक जाए हमारा। अच्छा जनाब, अब हम लेंगे एक छोटा सा टी स्पून और हम डालेंगे इसमें अपने स्पाइसेस। यहाँ लेंगे हम हाफ़ टी स्पून के जितना सॉल्ट, ये हो गया। यहाँ पर ले रही हूँ मैं जो हमारा ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून कर लेते हैं। काली मिर्च लेंगे हाफ़ टी स्पून, मेरी मिर्चें बहुत तेज़ नहीं हैं इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें मिर्चें ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी ली हैं, क्वार्टर भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये समझें चुटकी भर हमने हल्दी ले लिया। चले, अब इसको जो है अच्छे से पहले कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून के जितना इसमें डाल देती हूँ मैं तेल, ताकि जो है ना चिकन को मसाले अच्छे से जो है जज्ब चिपक जाए, इनके साथ बाइंड हो जाए, ठीक है। चलें, इसको करती हूँ मैं स्पून से मिक्स। हम इन चिकन पीसेस को क्या कर रहे हैं, डीप फ्राई। अब मैं इनको हल्का हल्का सा मैदे में कोट करके साइड पर रख दी जाऊँगी, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं देनी है, कि जैसे हम जैसे करते हैं ना और फ्राइड चिकन रोस्ट वगैरह के लिए कि इसको प्रेस करना है दबाना है, नहीं, बस सिंपल हमने हल्की सी मैदे की कोटिंग कर लेंगे। तो ये देखें करके मैं रखती जा रही हूँ एक तरफ। चलें, फ़िलहाल मैंने इतने कर लिए हैं, बाकी मैं और करती हूँ आपके सामने। देखें, मैं इनको कढ़ाई में डाल रही हूँ, यहाँ पर मीडियम हॉट ऑयल में डाल देंगे हम इन्हें, ठीक है। बस छोटे छोटे से चंक्स हैं, जैसे जैसे क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो जब तक चंक्स फ्राई हो रहे हैं हम इसमें चुटकी भर सॉल्ट डालते हैं और इसको बीट कर लेते हैं। एक बीटन एग अभी हम ले रहे हैं, अगर हमें, क्योंकि मेरी चिलीज़ कम है, हो जाएगा एक बीटन एग में हमारा ना, और अगर आपकी चिलीज़ ज़्यादा है तो उस हिसाब से अंडे कर लीजिएगा। ये तो कोटिंग का काम तो सबको पता है कि कैसे हो सकता है,
ठीक है, अच्छे से बीट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमने चीज़ रखी हुई है इसमें भी हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे, चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। थोड़ा सा हम यहाँ डालेंगे ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून समझना है। धनिया पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि कच्चा कच्चा मज़े का नहीं लगता। काली मिर्चें ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून के जितनी। और यहाँ पर हम ले लेंगे बिल्कुल चुन्नी मुन्नी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी और ले लेंगे। बस अब इन सबको जो है चीज़ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें यहाँ चिकन का माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ चुका है, और अब ये रेडी हो गई है। इसको निकाल लेते हैं हम और चलते हैं अपनी स्टफिंग करते हैं। तो चलें, ये सारी चीज़ें यहाँ रेडी हैं हमारी। अब हमने ले ली अपनी चिली, इसको मैंने खाली किया हुआ है अच्छी तरीके से। और हमने इसको जो है, अब पहले क्या करना है, पहले इसमें डाल देती हूँ मैं अपनी ये चेडर चीज़। प्रेस करके ना, दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है, ऐसे ना दबा दबा के। मज़े की बनती हैं, बनाएं अपनी इफ्तारी पे। ट्राई की हुई है मैंने, इसलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से प्रेस कर देंगे। चलें अब हम उठा लेंगे अपना जो है ये चिकन का पीस, इसे भी दबा देंगे इस तरीके से। छोटे छोटे चंक्स ले लेने आपने जो अच्छे से इसमें सेट हो जाए, ठीक है। हो गया ये ऐसे, पता नहीं मैंने उधर कर दी थी जज्बाती होकर, शायद दिख नहीं रहा मुझे कि किधर कर दी थी मैंने। ये हो गई है, अब हम क्या करते हैं इसको कोट करते हैं। अब पहले कर लेंगे हम इसे मैदे में कोट। कर लेंगे एग में, फोक हटा देती हूँ, ठीक है इस तरीके से। और अब कर लेंगे क्रम्स में, डबल कोटिंग कर लेंगे। एक बार फिर कर लेंगे मैदे में, एक बार फिर कर लेंगे एग में, और एक बार फिर कर लेंगे क्रम्स में। हाँ, सब अपने क्लीन कर लेते हैं थोड़े सा, क्योंकि मैं सीधे हाथ से ही करती हूँ, उल्टे हाथ पे जाती नहीं हुआ, तो इस वजह से। चल दोबारा से एक बार फिर मैदे में करते हैं, ताकि हमारी जो अंदर की स्टफिंग है ना सेफ हो जाए, बिल्कुल तलते में बाहर ना आ जाए, ठीक है। ये ज़रा डंठल मुझे तंग कर रहा है। चल बस अब इसका अच्छी तरीके से क्रम्स लगा के कर देंगे मुँह कवर। दिखाती हूँ एक मिनट आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये हो गई है रेडी। अच्छा, इसके लिए आप चाहें तो, मेरे पास इस वक्त नहीं थे, सीधी सी बात है, बिल्कुल बारीक वाले क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी मज़े के लगते हैं और इनके साथ ये अच्छी कोट हो गई हैं। अब क्या करते हैं अपनी बाकी की भी कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमने कर ली है कोट, हो गई है रेडी। आपने अपना हाथ खुश्क रखना है ब्रेड क्रम्स के लिए, वरना देखिए इसकी खाल होती है सख्त, हार्ड होती है, गोश वोश थोड़ी है ना कि उसको आराम से चिपक जाए। तो ड्राई हैंड से आपने इसको क्रम्स को लगाना है, जब अंडा वंडा लगा लें तो ये अच्छे से कोट हो जाएगा। चलें अब मैंने यहाँ पर किया हुआ है अपना मीडियम हॉट ऑयल, बस इस तरीके से अब हम डाल देंगे सारी। और जब, अच्छा, बार बार उलट पुलट भी नहीं करें कि जो स्टफिंग है वो बाहर आने लगे। तो जब एक साइड आपको लग जाए कि हाँ हो रही है गोल्डन, तो टर्न कर लेंगे। तो चलते हैं आपके सामने करेंगे, अभी होने देते हैं। तो यहाँ देखें मैं उलटने लगी हूँ, हमारे कैमरामैन को आने में ज़रा देर हो रही थी, तो मैंने कहा उलट दूँ कहीं ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए, ठीक है ना। देखें तरीके से, और आपके सामने है, कोई स्टफिंग बाहर नहीं आई है। स्टफिंग बाहर आती तो आपको शुर 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 ऐसी आवाज़ आती, चिकन और चीज़ अगर बाहर आ जाती तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस उसके मुँह को भी अच्छे से कोट कर लेना है मैदे से, अंडे से, माशाल्लाह कलर। और मेरे टिप्स आपने याद रखने हैं और जो है इन्हें बनाना है। अब हम करेंगे, देखिए आपके सामने रेडी है, इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर। रेडी हो चुकी हैं हमारी मज़ेदार किस्म की बॉम्बेस्टिक चीज़ी चिली बाइट्स। तो जो थोड़े बहुत आपको मैंने बताया है इसमें टिप्स, उन्हें याद रखें,
मिर्ची की खाल होती है मोटी, तो इसको ज़रा क्रम्स वगैरह आराम से नहीं चिपकते, लेकिन आपने हाथ खुश्क रखने, क्रम्स को भी खुश्क रखना है, तो बहुत आसानी से चिपक जाएंगे। और इसी तरह के मज़ेदार से, कलरफुल से, क्रंची से आपके बॉम्बास्टिक जो है चीज़ी चिली बाइट्स रेडी हो जाएंगे फॉर योर इफ्तार, फॉर योर गेस्ट एंड फॉर योर फैमिली। तो बनाएं, इंजॉय करें, बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी बनी, अच्छी लगी रेसिपी के नहीं लगी। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ फरिया बलोच हाजिर होंगी। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को, जो कि YouTube पर किचन विद फरिया बलोच के नाम से है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके। तो हाजिर होंगी, जब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।